लोकसभा चुनाव आते ही जो है वो आप लोगों के लिए गाइडलाइंस भी आ गई हैं। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार है तो अब आप लोग उसे जो है वो अपने घर पर नहीं रख सकते। यानी अगर आप लोगों के पास, और आप जम्मू में रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह का कोई गन है तो आपके पास ऑब्वियसली लाइसेंस भी होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो गन लाइसेंस होल्डर्स के लिए है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से दी गई है, सचिन कुमार वैश्य की तरफ से दी गई है कि अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है तो लोकसभा चुनावों से पहले आप लोगों को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है वो जमा कराना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों के पहले जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो उन लोगों के लिए हुई है जिनके पास जो है वो गन्स है, और गन लाइसेंस होल्डर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है 4914 है जिनके पास लाइसेंस वेपन है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें पीसफुल इलेक्शंस जो है वो करवाने हैं, इसलिए आप लोग अपना अपना हथियार यानी अपनी अपनी गन्स जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। और SHO को भी कहा गया है कि आप लोग जो है वो अवेयरनेस फैलाएं, और जो लोग आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहें कि हमें जो है आपके वेपन को कब्जे में लेना है। जिस तरह से अगर मैं जम्मू लोकसभा सीट्स की बात करूं उसके लिए पहला चुनाव जो है वो अप्रैल 26 को होना है, जो उधमपुर में होने वाला है। और साफ तौर पर सचिन कुमार वैश्य ने जो है एक जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर जम्मू में जो है लोकसभा चुनावों का, माफ कीजिएगा, वो 26 को होने वाला जम्मू सीट के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक स्क्रीनिंग कमेटी को भी जो है वो तैनात किया गया था, उसी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने जो है पूरी कमेटी बनाकर बताया, कितना डाटा रिवील किया 4914 का, बताया गया कितने पास हमारे पास जो है वो गन लाइसेंस होल्डर है यानी आर्म्स लाइसेंस होल्डर है हमारे पास। और हम चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के होने वाले हैं और जम्मू सीट के लिए जो अप्रैल 26 को होना है, आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इलेक्शन सही तरीके से हो जाए, क्योंकि काफी समय के बाद जम्मू में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। इसी पर सचिन कुमार वैश्य की बात करते हैं, उनके साथ SSP पुलिस जम्मू पुलिस के वो भी शामिल थे, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल थे, और उन्होंने भी ये कहा कि ऑर्डर जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो एरियाज के SHO हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि जो लोग आप तक नहीं पहुंचते आप उन लोगों तक पहुंचिए और उन्हें कहिए कि 7 दिन के अंदर उन्हें अपना वेपन जो है वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जमा कराना है। हालांकि वेपन जो है वो लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में कभी भी कुछ भी हो सकता है और पीसफुल माहौल को खराब ना किया जाए, इसलिए उनके लाइसेंस जो है वो पुलिस स्टेशन में होंगे। और कंसर्न एरिया के SHO को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द आर्म लाइसेंस होल्डर को इंटीमेट करें और उन्हें ये ऑर्डर बताएं। कौन कौन से लोग हैं जिन्हें जो है लाइसेंस अपने पास नहीं रखना? सबसे पहले वो लोग जो बेल पे बाहर हैं, कैटेगरीज भी हैं वो लोग जो बेल पे बाहर हैं, दूसरे वो लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तीसरे वो लोग जिन्होंने आज तक किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर किसी प्रोटेस्ट किसी रैली को खराब करने की कोशिश की, और चौथी कैटेगरी है कि आप सबको ही जो है अपने अपने आम जो है वहां पर यानी अपने अपने बंदूकें जो है वो वहां पर सबमिट करवाने हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कॉपी है वो मीडिया में भी जो है वो पब्लिश की जाएगी, सोशल मीडिया पर भी और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी, ताकि लोगों को अपना नाम पता चले, उन्हें ये पता चले कि DC डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू के पास हमारा डाटा है, हमें जो है वो जल्द से जल्द अपना वेपन जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा कराना है, और SHO जो है वो आगे की हिदायत उन्हें देगा कि कब तक उन्हें वापस ये मिल सकता है।